Yes. What is next question? What is surrounding? What is surrounding? Yes, right on. Surrounding is the part of the universe. Right on, surrounding. सिस्टम की जगह क्या है सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट under investigation, which is not under investigation. What is surrounding? Surrounding क्या होता है? Yes. देखो आज हम chapter notion पढ़ रहे हैं, okay? मेरी जो board है जिसके ऊपर मैं concentrate किया है. Yes, sir. Next is, however, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. Okay? अब देखो मेरी फिंगर जो है वो मोशन में है. मोशन में क्यों है? क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनसे इसका पोजिशन चेंज हो रही है. ओके ओके. लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर मतलब मोशन डायरेक्ट नहीं दिखाई देती है. ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर हवा चल रही हो तो हवा कितनी तेज है वो जो प्लांट्स हैं उनके झुकने से पता लग जाता है, उनकी लीफ से पता लग जाएगा. ओके अदरवाइज वी कांट सी द एयर. सो देयरफॉर फॉर एग्जांपल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. व्हाट कॉजेस द फिनोमेनन ऑफ सनराइज sunset and changing of seasons. It is due to the motion of the earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? Okay, देखो बेटे morning होती है, evening होती है, noon होता है, seasons change होते हैं. Okay, तो क्यों होती है change? क्योंकि हमारी जो earth है वो sun के चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है. वो अपने आप ही ऐसे ऐसे घूम रही है और वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है. यहाँ पे देखो बेटा, हेयर इज योर आर्थ. हेयर तो अपने आप घूम रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, लेकिन साथ साथ में हेयर इज योर सन, ये सन के चारों तरफ भी घूम रही है. तो जो अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है उससे तो बढ़ते हैं दिन रात, और जो है सन के चारों तरफ घूम रही है इससे बढ़ते हैं बेटे सीजन. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ टू में आ जाओ बेटा. एन ऑब्जेक्ट may appear to be moving for one person and may appear at rest for the other person. Okay, write down bete, very very important question. How, write down question, how rest and motion, how rest and motion called relative terms. Rest and motion are called relative terms. Relative terms. Why rest and motion are called relative terms? Why? बेटा देखना पड़े ध्यान से, समझ लो. पहले फिर मैं शुरू करता हूँ. Here is a bus. Here is Mr. A sitting in the bus. और इसकी दूसरी सीट पे मिस्टर बी बैठा हुआ है.
बस के अंदर एक सीट के ऊपर ए बैठा है और बी दूसरी सीट पे मिस्टर बी बैठा है वहां पे, और जो मिस्टर सी है वो इन दोनों को यहाँ पे बैठा है। तो मिस्टर सी जो है वो क्या है, भरोसा बस बस के बाहर है, इनको बस स्टैंड पे बिठा दिया गाड़ी में दो ए और बी को, और बस जो है बेटे वो चल पड़ी है। जब बस चलेगी तो होगा क्या बोलो शाबाश, ये जो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट रहेगा। मींस ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो 1 मीटर है तो बस 20 किलोमीटर चल के आएगी आगे तो भी वो 1 मीटर ही रहेगा ना। लेकिन ए और बी जो है वो बस के साथ जा रहे हैं तो जब बस कहीं उस स्टेशन पे पहुंच जाएगी 20 किलोमीटर दूर तो सी से उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बी एट रेस्ट है और बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ए भी क्या है, एट रेस्ट। लेकिन जब बस चल पड़ेगी तो ए और बी का, ए का भी डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगी सी से, और बी की पोजीशन होगी किससे, सी से चेंज है ना। तो देखो एट ए टाइम एक टाइम में ए एंड बी दे आर एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, बट एट द सेम टाइम ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। ओके, जैसे जैसे बस चलते जाएगी ए और बी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब बोथ आर एट रेस्ट। लेकिन दोनों की पोजीशन जो सी से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ओके, इसका मतलब ए जो है वो सी से क्या है, मोशन में है, और बी भी विद रिस्पेक्ट टू सी के मोशन में है, लेकिन ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बी एट रेस्ट है। ओके, राइट डाउन, यस राइट डाउन। A is A and A is B. Okay, and A is C. Right on. Rest and motion are called vectors of y. That are answer. Let. Bete, are you writing, students? Yes, students. Are you writing, beta? Gomti ma'am? Yes, sir. Okay, beta. Okay. Likho, beta. Let A and B. Yes. Let A and B are moving in a bus. Yes. Let A and B. Yes, sir. Beta, okay. And C. And C is at the very, write down, better write down, yes, on a notebook. Let A and B are moving in a bus, and C is at the bus stop. C means C is at the bus stop. Okay, then write on, then we can say that A is at rest with respect to A is at rest with respect to B, but at the same time, A is in motion. A is in motion. At the same time, A is in motion with respect to C.
with respect to C. Therefore, A is addressed. Therefore, A is addressed with respect to B and is in motion. And is in motion with respect to T. That is why rest and motion are called relative terms. हाँ जी बेटा आगे देखो पैराग्राफ नंबर थ्री. मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स. बहुत सारी मोशन जो होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं. सम ऑब्जेक्ट्स मे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. देखो बेटा एक ऑब्जेक्ट है ए, कोई यहां से स्टार्ट हुआ और ये अपनी पहुंच गया पे. दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. इस मोशन को बोलते हैं ए से लेके B तक गया without changing the direction of motion. इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके नंबर टू कह रहा है सम ऑब्जेक्ट्स मे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अदर्स मे टेक अ सर्कुलर पाथ. ओके कुछ जो होते हैं वो ऐसे घूम जाते हैं. इसको क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन. क्या बोलते हैं इसको सर्कुलर मोशन. ओके सर्कुलर मोशन for the passenger sorry some may rotate and a few others may vibrate. okay बेटा देखना condition. अगर मैंने यहाँ पे एक ball या stone को thread से बांधा होगा okay और फिर stone को घुमाओ ऐसे ऐसे घुमाओ तो जो stone है उसको बोलते हैं circular motion. क्या होता है उसको circular motion. okay और जैसे कि आपका fan पे उठा फैन जो घूम रहा होता है आपका सीलिंग फैन इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन. क्या होता है इसको रोटेटरी मोशन. और लिसन देखो तो मेरे इसको क्या बोलते हैं आप इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन है ना. आप जब फोन अपना वाइब्रेशन पे लगा देते हो ओके तो उसको जब डायस के ऊपर टेबल के ऊपर रखा होता है और वाइब्रेट लगता करने ना तो फिर वो चल भी पड़ता आगे पीछे को वाइब्रेशन करता करता उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन. There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. Later, we shall discuss ways of describing circular motion. Okay? So, बेटे हम इस chapter में पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन. उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके एक्सेलरेटेड मोशन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके एक्टिविटी 8.1 बेटा डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन. यस देखो बेटा मैं ये जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड बोर्ड जो है ठीक है. ओके ये देखो यहाँ पे लगा हुआ बॉल क्योंकि बॉल में ही बॉल है ना. अब देखो मेरा और ब्लैक बोर्ड का डिस्टेंस जो है चेंज नहीं हो रहा है. मतलब ना तो ब्लैक बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना मैं अपनी पोजीशन ब्लैक बोर्ड से चेंज कर रहा हूँ. तो इसका मतलब होगा द वॉल ऑफ दिस रूम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी और माई सेल्फ इज ऑल्सो एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दी वॉल. ओके लेकिन इस वॉल को देखें और उस सामने वाली वॉल को देखें तो जब से कमरा बना हुआ है इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज नहीं है ना. दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ओके ऑल द वॉल्स ऑफ द रूम दे आर एट रेस्ट. ओके ऑल द वॉल्स ऑफ द रूम दे आर एट रेस्ट बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशंस. ओके एक्टिविटी नंबर टू बेटा
Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience. Yes. कई बार देखा होगा बेटे आपने, आप बस स्टैंड के ऊपर बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं आपके, और साथ वाली बस चलती है लंका में ऐसे जैसे हमारी चल पड़ी, उसको बोलते हैं रियलिटी मोशन। क्या होते हैं उसको? रियलिटी मोशन। ओके, ये आपने देखा होगा कि जब बस फास्ट चल रही होती है तो हमें लगता है जो साइड के जो ट्रीज है वो दूसरी साइड को भाग रहे होते हैं। ओके, हाँ, उसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव टर्म्स। क्या होते हैं उसको? रिलेटिव टर्म्स। मीन्स जब बस 80 की स्पीड से जा रही होगी तो कोई भी ट्री होगा वो बस ट्री को 80 की स्पीड से पीछे छोड़ रही है ना, और हमें लगता है जैसे ट्रीज चल रहे हैं। यस, नेक्स्ट बेटे थिंक। Yes, Peter ji, think and act. We sometimes are endangered by the motion of objects around us. Endangered का मतलब होता है बेटे खतरे में या जोखिम में ना। Especially if that motion is erratic. Erratic का मतलब abnormal, खतरनाक, okay? अनियमित and uncontrolled as observed in a flooded river. A hurricane or a tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? ओके, ये कह रहा है कुछ ऑब्जेक्ट्स की मोशन ऐसी होती है जो हमें खतरे में डाल देती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में बेटे फ्लड आता है, ऊपर ना पहाड़ी इलाकों में फ्लड आता है तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, जान माल का ना। अब जो बंदा नहर में या नदी के बीच में पानी के बीच में फंसा हुआ है या पानी के भाव में बह रहा है, उससे पूछो कितना खतरनाक लग रहा है उसको ना। ओके, तो क्या आप चाहते हैं भाई ऐसी मौसम जो खतरनाक मौसम के बारे में हम पढ़े? और अगर हम देखें बेटे डैम होता है, जैसे भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम में पानी को इकट्ठा किया है और उसके पानी को नीचे छोड़ते हैं ना, तो लोग वहां पे देखने जाते हैं। ओके, भाई हमने भाखड़ा डैम देखना है जाके, ओके कैसे बिजली पैदा होती है। तो एक तो देखो भाखड़ा डैम में जो वाटर की मोशन है वो कंट्रोल्ड है, और जो नदी है नेचुरल जो नदी है उसमें अनकंट्रोल्ड है। ओके ओके, सो डिस्क्राइबिंग मोशन 8.1 वी विल बेटे स्टार्ट इट टुमारो। Okay.